हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। देखिए, दो बात करने आया हूं जो आपने थंबनेल में देखा है। एक तो रेलवे की वैकेंसी को लेकर के जो टेंशन थी लोगों की, जो उस दिन न्यूज़पेपर में आया था, और दूसरी बहुत बड़ी टेंशन थी बच्चों को कि सर एसएससी के जो एग्जाम अभी पोस्टपोन हुआ है, ये कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कहां होगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। आज दो इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं। दो इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा भेजा है मुझे किस बच्चे ने, उसमें अभी जो दो तीन दिन पहले से न्यूज़पेपर का टुकड़ा वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया था कि रेलवे की वैकेंसी कटेंगी और क्या क्या चीजें होंगी, ढेर सारी चीजें होंगी, तो ये एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा आया है आज। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि रेलवे में भर्ती पर कोई रोक नहीं। इसमें अंदर जब जाएंगे तो बकायदा ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है इसमें। आप देखेंगे इसमें जब अंदर आप पढ़ना चालू करेंगे तो यहां पर रेलवे के अतिरिक्त महानिदेशक डीजी नारायण ने इस संबंध में जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है, एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से। देखिए, रेलवे में भर्ती पर कोई रोक नहीं। रेलवे ने कोरोना के मद्देनजर ना तो भर्ती पर कोई रोक लगाई है और ना ही टिकट खिड़की बंद करने का कोई फैसला लिया है। अभी हुआ क्या था कि एक न्यूज पेपर में आया था कि रेलवे ने डिसीजन दिया है कि वैकेंसी कम करेंगे, साथ ही साथ आपका जो रेलवे की टिकट खिड़की विंडो होती है उसको क्लोज करेंगे। उसके एवज में हमारे रेलवे के जो महानिदेशक हैं डीजे नारायण, उन्होंने बात कही है, रेलवे ने कोरोना के मद्देनजर ना तो भर्ती पर कोई रोक लगाई है और ना ही टिकट खिड़की बंद करने का कोई फैसला लिया है। रेलवे में अतिरिक्त महानिदेशक डीजे नारायण ने इस संबंध में जानकारी दी है। अगर अधिकारी ने दी है तो लाजमी सी बात है, इस बात में वजन है। उन्होंने कहा, इस संबंध खबरें निराधार हैं। रेलवे में भर्ती की एक व्यापक प्रक्रिया है। रेलवे ने कुछ श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया खत्म करने जैसा कोई फैसला नहीं लिया है, कोई फैसला नहीं लिया है, ठीक है। और साथ में आगे क्या लिखा है कि फिलहाल रेलगाड़ियों का आवागमन न होने से टिकट बुकिंग बंद है। उपयुक्त समय आने पर यात्री सेवाएं शुरू करने के साथ टिकट खिड़की खोलने पर भी उचित निर्णय किया जाएगा। अभी जो 3-4-5 दिन पहले से एक न्यूज़पेपर का एक जो पीस था वायरल हो रहा था जिसमें लिखा गया था कि रेलवे में किसी ऑफिसर ने कहा है कि हम वैकेंसी खत्म करेंगे, कम करेंगे, पेपर पोस्टपोन करेंगे, विंडोज क्लोज करेंगे, तो अगर ये किसी ऑफिसर ने अब कहा है डीजे नारायण ने, तो इस बात में एक वजन है। तो एक तो ये बात है, एक तो ये बात आज न्यूज़पेपर निकल के आ रही है। दूसरी, एक जो आदरणीय मंत्री जी हैं उन्होंने इस पर बयान दिया है। देख लीजिए, अभी का थोड़ी देर पहले का ट्वीट है, है ना। ये ट्वीट में क्या लिखा है, देखिए, सबसे पहले यहां पर दिखाई दे रहा है आपका ANI जो सरकार की एजेंसी है उसका है। उसमें लिखा है कि UPSC एंड SSC examinations that were put on hold due to lockdown will definitely take place। बिल्कुल होंगे, definitely take place। पिछले वाले टुकड़े में हमने न्यूज़पेपर में बात की रेलवे की, और यहां पर एसएससी को खास इंफेसाइज किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने कि यूपीएससी एंड एसएससी एग्जामिनेशन दैट वर पुट ऑन होल्ड ड्यू टू लॉकडाउन विल डेफिनेटली टेक प्लेस। वी विल टेक अ कॉल आफ्टर May 3rd एंड रिशेड्यूल डेट्स इन अ मैनर दैट इट गिव्स सफिशिएंट टाइम टू ऑल एस्पिरेंट टू रीच टू देयर डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये है आपका ANI का ट्वीट, और ये है आपका ओरिजिनल ट्वीट, किसका है, आपका आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का। इसमें साफ साफ लिखा है, वी हैव बीन रिपीटेडली reiterating that the future and interest of the UPSC SSC aspirants are high on the priority of the Narendra Modi ji government. There is no room absolutely to be panicked by hearsay or unverified social media report. ये दो बात हैं। अब इन दो बातों का मतलब क्या निकल के आता है? एक तो ये जो न्यूज का है, इसमें जो डॉक्टर सॉरी जो डीजे नारायण जी ने कहा है उस पर एक बात थोड़ा सा बच्चों को सुकून के लिए है कि हाँ भाई, इस बात को थोड़ा सुकून हुआ है बच्चों को, क्योंकि रेलवे ने ही अगर इस बात को बोला है, जो महानिदेशक है डीजे नारायण जी रेलवे के ऑफिसर है, इतने बड़े ऑफिसर हैं, और उन्होंने इस बात को बोला है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो इससे थोड़ा सा सुकून मिलेगा आप लोगों को और मुझे भी कि चलिए भाई ऐसा है, थैंक गॉड। दूसरा, ये जो आपको ट्वीट दिखाई दे रहा है आप ट्विटर में जाकर चेक कर सकते हैं, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, उनका ट्वीट है। तो ये एक वचनदारी दिखा रहा है कि चलो साहब, एसएससी के भी जो पेपर सभी, जैसे CHSL का आधा पेपर हुआ था, आधा पेपर कब होगा, बहुत बच्चों को डाउट था, तो साफ साफ यहां पर उन्होंने कहा है कि 3 मई के बाद में जैसी भी सिचुएशन होगी तुरंत आपका उसको कराया जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। ये दुख खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए
जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में साफ साफ मेंशन उसमें किया गया था वैकेंसी कट होंगी, विंडोज क्लोज होंगे, ये होगा वो होगा, तो मुझे भी चिंता थी, तभी मैंने आप लोगों से कहा था। और अब जाकर कि ये जो मिनिस्टर साहब का जो बयान दिखाई दे रहा है और जो आपका महानिदेशक साहब का जो बयान दिखाई दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, उससे एक खुशी की बात है, एक जो गुड न्यूज है कि चलिए साहब कम से कम ऑफिशियल न्यूज अगर आती है तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कोई चीज वायरल होती है और उस पर अगर ऑफिशियल न्यूज कटाक्ष करती है तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का कि चलिए साहब सरकार का ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इस बात को बोला है, एसएससी के बारे में कहा है, और जो डीजे महानिदेशक जी हैं नारायण साहब हैं उन्होंने आपका रेलवे के बारे में कहा है, तो एक जरूर यहां पर क्वेश्चन मेरे लिए है, मैं पर्सनल पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए उन तक ये बात गई है, आप लोगों ने वीडियो शेयर किए हैं, फोटोज वायरल हुआ था, तो उन तक ये बात पहुंची कि ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में, तो मैं तो चाहूंगा कि एक और बात और फैला दीजिए कि सर फिर एग्जाम हो कब रहा है, ये भी लगे हाथ बताई दीजिए कि एग्जाम हो कब रहा है, ये भी अगर आप लगे हाथ बता दें तो बात बन जाएगी, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ रेलवे का, एनटीपीसी ग्रुप डी है, लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि एनटीपीसी ग्रुप डी होगा क्या। अगर डीजे नारायण जी जो महानिदेशक है वो कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल होगा पेपर, चिंता मत कीजिए, ऐसा कोई भी जो न्यूज वायरल हो रही है वो गलत है, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कम से कम वो भी लगे हाथ बता ही दें कि भैया एग्जाम होने कब वाला है, एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम कब तक होने वाला है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो साहब इस डेट में या इस मंथ इस महीने के आसपास एग्जाम होने वाला है। दूसरा जो एसएससी के बारे में बात की है, जो हमारे मिनिस्टर जी उन्होंने बोला है, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों का, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बच्चे भी थे, टीचर्स भी थे कि साहब आखिर हो क्या रहा है, समस्या खड़ी हो सकती है, क्लियर है। क्योंकि देखो अगर आप लॉजिक पर बात करने के लिए जाएंगे कि लॉजिक क्या है, तो लॉजिक तो है कि जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है तो समस्याएं खड़ी होती हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है जॉब्स का, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स का बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता है। लेकिन अगर यहां पर मिनिस्टर जो हैं हमारे एसएससी के बारे में बात कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम बिल्कुल होंगे, जो महानिदेशक है वो रेलवे की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी खुशी की बात है कि चलिए सरकार हो सकता है इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेगी, ये पेपर्स होंगे आपके। लेकिन अब यहां पर एक बात ये आती कब होंगे, रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी कब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एसएससी में जो हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एसएससी का जो एग्जाम होगा, यूपीएससी इस कारण से बार बार नहीं बोल रहा क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी के साथ दिक्कत ज्यादा नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसएससी के साथ हुआ करती है। तो एक तो एसएससी की दिक्कत है कि एसएससी के सीएचएस तो ठीक है, लेकिन क्या वैकेंसी वगैरह तो नहीं कमेंगी, ये भी अगर सरकार क्लियर कर दे तो थोड़ा बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर वैकेंसी कम होती है नहीं होती है वो बात की बात है, वो आपके हाथ में नहीं है। आज एक बच्चे का मुझे कॉल आया कि सर जो वैकेंसीज हैं वो कम होंगी, मुझे डर लग रहा है कितनी कम होंगी कितनी नहीं होंगी। मैंने सिर्फ एक ही चीज से बोली कि देखो वैकेंसी कम हो नहीं हो ये आपके हाथ में नहीं है, आप उसके बारे में सोच के टेंशन लेके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक चीज कर सकते हो, ईमानदारी से पढ़ो, अगर थोड़ी भी वैकेंसी आए तो एटलीस्ट कम से कम सिलेक्शन आप ले पाओ, इस पर फोकस करना है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, ठीक है। बाकी जीके की सारी जिम्मेवारी मेरी है, पूरे जीके तैयारी कराने की जिम्मेवारी मेरी है, जिसमें जीके साइंस और करंट अफेयर्स है, जो अपना पेड कोर्स है जो हमने लॉन्च किया है, उसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं है। 999 फीस है, पहले ये फीस जो है वो आपका 3499 होने वाली थी, कितना 1349 होने वाली थी, लेकिन अब ये जो फीस है ये वापस हमने 999 कर दी है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो लॉकडाउन के चक्कर में इसको नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए ये है सिंपल सा तरीका पेमेंट करने का, अगर आपको कोर्स में एडमिशन लेना है, क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, तो इस कोर्स को लेने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप फोन पे कर सकते हो, ये फोन पे नंबर है 9179264118, ये फोन पे नंबर है, ये गूगल पे नंबर है 7042633154, ये गूगल पे नंबर है, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो ये है आपका अकाउंट नंबर, ये है मेरा नाम, और ये है आईएफएससी कोड। आपको इसमें तीनों में से किसी एक में 999 पेमेंट करना है, और 999 पेमेंट करने के बाद ये जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा, उस स्क्रीनशॉट को आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, किस नंबर पे 7042633154, इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट को सेंड कर दीजिएगा, आपका एडमिशन ग्रुप में हो जाएगा, एडमिशन आपका इस एग्जाम क्लास में हो जाएगा। अगर कोर्स लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8882732650, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, क्लियर है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या नंबर है, 8882732650, एक बार फिर से लिख देता हूं,
888-27-32-650 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा गुड न्यूज है, खुशखबरी है। जैसे मैंने देखा तुरंत मुझे भी अच्छा लगा, चलो थैंक गॉड कम से कम जो बच्चे टेंशन में थे तो थोड़ा टेंशन कम होगी बच्चों की। एसएससी के एग्जाम के बारे में मिनिस्टर साहब ने कहा है और रेलवे के एग्जाम के बारे में जो महानिदेशक उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का। और मैं बोलूंगा सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए, वैकेंसी कम हो ना हो या आपके हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। जितनी भी आए आपको सिलेक्शन लेना है। बाय बाय, टेक केयर।